नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोग का अपने चैनल फंड एक्सपर्ट में। इस वीडियो में डीपली कवर करेंगे फंड कोड ECS-T10 क्रेफेल्ड का 7th नंबर मुकाबला के बारे में। आपको बता दूं, इस सीरीज का 7th नंबर मुकाबला जो होने वाला है MSF वर्सेस ARS के बीच, यानी MSC फ्रैंकफर्ट वर्सेस एचेन राइजिंग स्टार्स के बीच। जो MSF की टीम से इन्होंने दो मुकाबले खेले हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है गाइज, और दोनों मुकाबले विन कर गया। लेकिन जो सामने की टीम है ARS की टीम से ECS-T10 मुकाबले खेले ही नहीं है गाइज, न्यू टीम है तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बाकी स्मॉल लीग की पिक बता दूंगा, ग्रैंड लीग की पिक बता दूंगा, और स्मॉल लीग डिफरेंशियल पिक बता दूंगा, ग्रैंड लीग डिफरेंशियल पिक बता दूंगा, इनका स्टार्ट भी बता दूंगा दोनों तरफ से। बाकी आप MSF टीम के फेवर कीजिएगा, इसी टीम से आप ज़्यादा पलर लीजिएगा, क्योंकि दोनों मुकाबले बहुत ईजिली तरीके से विन करा है। वो स्टार्स बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। बाकी सेकंड वाला भी मुकाबला इन्हीं दोनों टीम के बीच है तो इसको भी कवर कर लूँगा। तो आप क्या कह रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और दूसरा काम क्या करना है, टेलीग्राम पे जुड़ना है। जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम पर चलेंगे, नहीं तो आप सिंपली टेलीग्राम पर सर्च भी कर लेना। सर्च करना कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आकर सर्च कर लेना है @fundexpert112, सिंपली ऐसा ही क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको चैनल का लोगो जैसा लोगो दिखेगा, सिंपली आप यहीं पे क्लिक करके जुड़ जाना। आपको ऐसा ही सर्च करना है जैसे मैंने किया है, आप जुड़ जाइएगा। फाइनल टीम आपको आफ्टर स्टॉक टेलीग्राम पे मिलेगा, जुड़ना कैसे मैंने आपको बता दी। अब बात करेंगे मैच डिटेल की, तो आज मुकाबले होंगे 4:30 बजे शाम को, तो उसमें आपको अवेलेबल रहना होगा टेलीग्राम को ज्वाइन करके। उसके लिए आपको करना क्या है मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, आज ही मुकाबले होंगे मैंने बोला था कि। और वेन्यू की बात करेंगे तो अभी तक सारे मुकाबले यहीं पे हुए हैं। यहाँ का विकेट आपको बता दूँ न्यूट्रल मानिएगा, जो अच्छा खासा टीम से जैसे MSF की टीम से दो मुकाबले खेले, दोनों मुकाबले जीते, तो अच्छा खासा टीम हर एक बार मैचेज विन कर रही है। मुझे लगता है कि अगर MSF की टीम पहले बैटिंग करती है तो 100 तक भी बना सकते हैं, क्योंकि इनका टीम स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन जो सामने की टीम है गाइज, ये टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। देखो जो MSF की टीम से, इन्होंने दो मुकाबले खेले हैं, दोनों मुकाबले बहुत ईजिली तरीके से विन करा था। फर्स्ट वाला मुकाबला 10 विकेट से, सेकंड वाला मुकाबला 79 रन से, भाई बहुत ही तगड़ा टीम है। बाकी अभी तक इस वेन्यू पे ना, इस ग्राउंड में ना, मतलब इस सेशन में ना, 4 मुकाबले हुए हैं जिसमें फर्स्ट में बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं, सेकंड में बैटिंग करने वाली टीम ने 1 मुकाबले जीते हैं। ठीक है, दो मुकाबला अभी लाइव चल रहा है, वो मैच कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये 7th नंबर मुकाबला है। जो MSF की टीम से, इनकी तरफ से लास्ट मुकाबले में ओपनिंग करने आया था आदिल खान, जो राइट हैंड बैटिंग करेंगे, राइट हैंड फास्ट बॉलिंग करेंगे। दोनों मुकाबले में 2-2 गेंदबाजी करिए, प्लस ओपनिंग करिए। थर्ड वाला मुकाबले में 63 नॉट आउट, सेकंड वाला मुकाबले में 4। कैप्टनसी की बहुत बढ़िया तगड़ा ऑप्शन रहेगा, कैप्टनसी इनको दे देना। शाहिद अफरीदी उनके साथ ही आ रहे हैं। फिर वाले मुकाबले 2 ओवर का था, 1 विकेट निकला था। लास्ट वाले मुकाबले में 50 रन बनाए थे, प्लस 1 ओवर गेंदबाजी करी थी, वहाँ पर विकेट नहीं मिला था। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का दोनों कोई बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा, किसी को कैप्टनसी, किसी को वाइस कैप्टनसी रिवर्स करके बना देना। बाकी वन डाउन आ रहे सिकंदर खान, लास्ट वाले मुकाबले में आए थे, टीम की कैप्टनसी करेंगे। राइट हैंड बैटिंग करते, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग करते, लेकिन इनके मुझे लगा कि शुरू वाले मुकाबले में बहुत ही नीचे भेजा गया था, वहाँ पर इनको ना ही बॉलिंग मिला था ना ही बैटिंग मिला था, लेकिन लास्ट वाले मुकाबले में वन डाउन भेजा भी गया था, वहाँ पर भी 1 ओवर मिला था। आप ट्राई कर सकते हो। बाकी हमसे सैयद अमीर को ग्रैंड लीग की टीम में पिक करिएगा, सेकंड नंबर आ रहे हैं। कादिर खान जो राइट हैंड बैटिंग करेंगे, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग करेंगे, शुरू वाला मुकाबले 2 ओवर 3 विकेट, लास्ट वाला मुकाबले में 1 ओवर 0 विकेट, तो बॉलिंग तो करेंगे ऑलमोस्ट 102 ओवर, तो स्मॉल लीग की टीम में मस्ट पिक रहेगा, आप इनको पिक कर लीजिएगा। नाफिस भट्टर शुरू वाला मुकाबले में बॉलिंग नहीं करा था, लास्ट वाला मुकाबले में बॉलिंग करा था, वहाँ पर 3 विकेट निकाले थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, आप इनको पिक कर लेना। सबर खेल को छोड़ देना, सिर्फ बैटिंग करवा रहे, बहुत ही नीचे आ रहे। दाऊद मोहम्मद शुरू वाला मुकाबले में 2 ओवर का था, लास्ट वाला मुकाबले में बॉलिंग नहीं करा था, वहाँ पर 20 रन नॉट आउट बनाए थे, तो स्मॉल लीग मस्ट पिक रहेगा। रहमान भी आप इनको भी पिक कर लीजिएगा। बाकी हबीब रहमान की बात करें, लास्ट वाला मुकाबले में खेलने का मौका मिला था, वहाँ पे 1 ही से बनाए थे, तो बहुत ही नीचे आ रहे, आप इनको छोड़ देना। यहाँ से बात करेंगे वासिम खान, शुरू वाले मुकाबले खेले थे, ना ही इनको बॉलिंग मिला था ना ही बैटिंग, लेकिन सेकंड वाला मुकाबले में हुआ क्या था, इसको 1 ओवर मिल गया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, छोड़ देना। वाहिद अहमद जो बॉलिंग कर रहे हैं, 2-2 ओवर गेंदबाजी, 1-1 विकेट भी निकाला है, वाहिद अहमद को आप पिक कर लीजिएगा। अब इस टीम से स्मॉल लीग मस्ट पिक की बात करेंगे तो आदिल खान, शाहिद अफरीदी, यहाँ से सिकंदर खान को पिक कर सकते हो, इनको छोड़ देना है। यहाँ से कादिर खान को पिक कर लेना है स्मॉल लीग की टीम में, बटर को पिक कर सकते हो स्मॉल लीग की टीम में। यहाँ से आना है और वाहिद अहमद के साथ जाना है स्मॉल लीग की टीम में, यानी इस टीम से अपना 6 से 7 पलर को इंक्लूड कर लेना। बाकी इनकी टीम तरफ से बैठे बेंच पे पलर, उनका मैंने नाम लिखा है, बहुत ही तगड़ा तगड़ा पलर है, कोई भी खेल जाता है तो उसको आप ट्राई कर लीजिएगा स्टार्स देखकर। बाकी जो सामने की टीम से ARS की टीम से, मैंने बोला था कि इन्होंने अभी तक ECS-T10 वाला मुकाबला खेला ही नहीं है, T20 का स्टार्स है, जो भी है मैं आपको T20 का स्टार्स बता रहा हूँ। बाकी आपको लास्ट का फाइनल टीम फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे मिलेगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहीं पे लिंक पे क्लिक करेंगे टेलीग्राम पे चले आएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, भाई कमेंट जरूर कर देना कि आपको वीडियो लगा कैसे। जो ARS की टीम से, इनकी तरफ ओपनिंग करने आ सकते हैं वरुण रेड्डी, जो टीम की कैप्टनसी करेंगे, राइट हैंड बैटिंग करते, राइट हैंड स्पिन बॉलिंग करते, 6 मैच में 62 रन है 12 के एवरेज से 1 विकेट है 2 ओवर, तो ज़्यादा बॉलिंग नहीं करते, ज़्यादा बैटिंग भी नहीं करते, लेकिन अच्छा खासा पिक रहेगा, ओपनिंग करेगा, आप स्मॉल की टीम में पिक कर लेना। सागर कटारिया विकेट की पिक करवा के देंगे,
इनका बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रहा था टी ट्वेंटी स्टार्ट में। यहाँ पे देखोगे छः मैच में 274 रन है 24 के एवरेज से, 54 के एवरेज से। और ओडीडी के स्टार्ट आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने बॉलिंग भी करा है। अगर विकेट की प्रशंसा में मेंशन नहीं होते हैं तो बॉलिंग भी करवा के जा सकते हैं, तो अच्छा खासा पिक रहेगा। वरुण रेड्डी कटारिया को पिक कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे फाइव रन राइट एंड बैटिंग करेंगे, राइट एंड फास्ट बॉलिंग करेंगे। पांच मैच में 62 रन 15 के एवरेज से और पांच मैच में 17 ओवर में 6 विकेट है, तो अच्छा खासा बॉलिंग ये भी करते हैं। जन आप स्मॉल लीग की टीम इनको पिक कर लेना। इनका मुझे स्टार्स मिला नहीं भाई, मिलता है तो मैं आपको फाइनल टीम देता समय उस समय आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी मुबसार इनायत इनका भी अच्छा खासा स्टार्स है। एक ही मुकाबले में इनको बैटिंग करने का मौका मिला था, इन्होंने 48 बनाए थे। बाकी 6 मैच में 21 ओवर में 7 विकेट है, तो एवरेज पिक है, पिक कर सकते हो। बाकी यहाँ से बात करेंगे उसामा सिरजात की। देखो इनका फर्स्ट और ECS-T10 मुकाबला है भाई, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, किसी को भी बॉलिंग मिल सकता है, किसी को बॉलिंग नहीं मिल सकता है। तो आप स्मॉल लीग मतलब टीम बनाने जा रहे हो ना, तो आप क्या करना है, जो MSF की टीम से ना, इनकी टीम से ना आप 7 प्लेयर को इंक्लूड कर लेना डायरेक्टली, और इन्हीं टीम से आप 4 को रखना जो अच्छा खासा आपको दिख रहे हैं। बाकी सिरजात को भी पिक कर सकते हो स्मॉल लीग की टीम में, लेकिन ज़्यादा रिस्क रहेगा। सफी खान स्मॉल लीग की टीम में छोड़ देना, बट अटल के मैंने मिला नहीं स्टार्स, बाकी सिरजात को भी नहीं मिला। आजम तो मेरा कुछ खास अपसर नहीं, इनका भी नहीं मिला। तो गाइज मैं ये टीम को प्रेफर नहीं कर रहा क्योंकि इनकी टीम बहुत ही ज़्यादा वीक टीम है। बाकी इन टीम में से ना आपको 4 प्लेयर को रखना है, रखना किन को है, वरुण रेड्डी कटारिया को रख लेना है, बाकी इनको रख सकते हो स्मॉल लीग की टीम में, और इन दोनों में से ना किसी एक को ट्राई कर लेना। इस टीम से आपको 4 को रखना है, बाकी इस टीम से ना अपने 7 को प्लेयर को इंक्लूड कर लेना है। बहुत ही अच्छा खासा आप टीम कर पाओगे, मैंने बताया वैसे आप कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट जरूर करना। मैं आपको फाइनल टीम बता देता हूँ, लेकिन फाइनल टीम होती नहीं है, डेमो टीम होती है। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, अगेन बोलना चाहूँगा। यहाँ से आप रहमान को भी पिक कर सकते हो। कटारिया का मुझे बहुत ही बढ़िया स्टार्स लगा, तो अभी के लिए मैं कटारिया के साथ जा रहा हूँ। हबीब रहमान बहुत ही नीचे आते हैं, ग्रैंडली की टीम में पिक कीजिएगा क्योंकि लास्ट वाले मुकाबला में 21 बनाती है, इसलिए इनका सिलेक्शन बढ़ गया है। बाकी कुछ खास अपना नहीं, बहुत ही अभी नीचे आते हैं, इनका स्टार्स कमाल का है नहीं। तो अभी के लिए मैं कटारिया के साथ जा रहा हूँ, इनका बहुत ही कमाल का स्टार्स ओपनिंग करेंगे। बैट्समैन सेक्शन में बात करेंगे, हमजा सैयद अमीर बहुत ही नीचे आते हैं, सिर्फ बैटिंग करवाते बॉलिंग नहीं करते। इस खान को स्मॉल की टीम में छोड़ना है, ये खान को पिक कर लो, इनका नाम आदिल खान है। बाकी आदिल अब्बास को आप पिक कर सकते हो। वरुण रेड्डी का बहुत ही कमाल का स्टार्स है, आप इनको पिक कर लेना। बाकी बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, आप रऊफ को पिक कर सकते हो। अभी के लिए मैं कादिर खान के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मैं इनको प्रेफर कर रहा हूँ। दाद मोहम्मद को पिक कर लेना है, यहाँ से शायद फरीदी के साथ जाना है। यहाँ से आओगे हाजी को रख लो स्मॉल लीग की टीम में, नूरी को आप स्मॉल लीग की टीम में भी छोड़ देना, बटर को रखना है स्मॉल लीग की टीम में क्योंकि अपने कोटे का ना 2 ओवर बॉलिंग करवाते ही करवाते हैं। तो अभी कल जय खान के साथ जाना है क्योंकि आप इस टीम से 4 तो लेना ही लेना पड़ेगा, ए रऊफ को रख लेना। अब कैप्टेंसी की हम बात करेंगे, जो मेरा कैप्टेंसी रहेगा ए खान रहेगा, शाहिद अफरीदी मेरा वाइस कैप्टेंसी रहेगा। आप खान को भी दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज करना हो कर लेना क्योंकि दोनों कोई ओपनिंग कर रहे हैं और दोनों कोई बॉलिंग भी करवाता है। बहुत ही कमाल का दोनों कोई पलर है, आपको जो भी फेवर करना है आपको MSF टीम को ही फेवर करनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है गाइस यही विन करेगी और इनका स्टार्ट बहुत ही कमाल का है। बाकी और डेमो टीम में फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं है, फाइनल टीम आफ्टर टेलीग्राम पर मिलेगा, जुड़ना कैसे मैंने आपको बता दी। ऐसा ही वीडियो के साथ मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।